वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो एज प्रॉमिस्ड वी आर हियर विद द मिशन 10 अगस्त। कल एक इनॉग्रल वीडियो था और आज है वीडियो नंबर 2। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एसबीआई क्लर्क को मद्देनजर यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हंबल गाइड, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले तो ये तस्वीर है टाइगर की। ये तस्वीर क्यों आज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यू ऑल नो आज जो है वो है टाइगर डे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टाइगर डे। इट इज नोन एज ग्लोबल टाइगर डे, बट मोस्ट मोर कॉमनली इट इज नोन एज वर्ल्ड टाइगर डे। व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। एज यू ऑल नो, टाइगर की संख्या, जनसंख्या काफ़ी कम हो रही थी, तो उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए 2010 के बाद ये जो हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो अभी खबरों में भी है कि श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक एपिसोड शूट किया है किनके साथ, जो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट हैं, जो मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कशन पे कार्यक्रम आता है, आप सारे भली भांति परिचित होंगे। तो द होस्ट ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स। तो ये सवाल आ सकता है कि किनके साथ श्री नरेंद्र मोदी ने शूट करा है ये कार्यक्रम, या मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट कौन है, तो बियर ग्रिल्स। ठीक है, ये तो दो चीज़ यहाँ, 29 जुलाई और बियर ग्रिल्स, ये दो माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, और एक न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट है कि ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, टुडे लॉन्च द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। देखिए, वनडे की होती है, 2020 की होती है, तो इन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर ये स्पेलिंग देख लीजिए, इनॉग्रल मतलब ये इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इट मीन्स फर्स्ट। ठीक है, पहला, इन हिंदी वी कॉल इट पहला, इन इंग्लिश वी कॉल इट फर्स्ट। ठीक है, तो ये पहली बार ये टेस्ट चैंपियनशिप लॉन्च हुई, ये 2 सालों तक चलेगी। ठीक है, इसमें टोटल आज की डेट में जितने टॉप 9 टीम्स थे टेस्ट प्लेइंग नेशंस में, उनको लिया गया है। जो फाइनल है वो टॉप 2, कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे इसमें, और इसमें टॉप 2 जो टीम्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम में फाइनल खेलेगी इन जून 2021। और ये शुरुआत कब से हो रहा है? अभी जो आने वाले जो एशेस, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा जो एशेस सीरीज है ये होता है बहुत फेमस टेस्ट सीरीज रहती है, बायलैटरल सीरीज दो देशों के बीच, बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ से ये शुरुआत हो जाएगी और 2 सालों तक चलेगी। विभिन्न विभिन्न देश आपस में टेस्ट सीरीज खेलेंगे और फाइनल होगा यूके जून 2021 में। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि फाइनल जो है वो कहाँ पर होगा, यूके में जून 2021 में। टोटल टीम्स कितनी है? 9 टीम्स। और शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी? एशेज से हो रही है, बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तीन चीज़ें याद रखने वाली। इसके बाद ये तस्वीर आप सभी भारी भांति परिचित होंगे इनसे, हिज नेम इज श्री रविंद्रन बायजू। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, हमारे भी वीडियोस देखते होंगे, उसमें भी इनके एड्स बहुत आते हैं। तो ये इसलिए न्यूज़ में है कि इंडियाज न्यूएस्ट बिलियनर हैं। ठीक है, फॉर्मर टीचर हैं, 37 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, और न्यूएस्ट बिलियनर हैं। तो ये रिलेटेड किससे, ये सवाल आ सकता है, तो ये एडुटेक स्टार्टअप, ठीक है, इनका जो बायजू ऐप भी है। तो ये अगर सवाल आता है किससे रिलेटेड है, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड लिख सकते हैं, या एडुटेक स्टार्टअप से रिलेटेड लिख सकते हैं, या इफ द क्वेश्चन इज कि हु इज द इंडियाज न्यूएस्ट बिलियनर, तो यू कैन से रविंद्र बायजू। ठीक है, ये सवाल इन्हें तो आप भूल ही नहीं सकते, इन्होंने देश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया है। इनका नाम है हिमा दास, एंड इनका निकनेम क्या है ये पूछ सकते हैं। तो हर निकनेम इज ढींग एक्सप्रेस। नाउ यू विल आस्क व्हाई शी इज कॉल्ड ढींग एक्सप्रेस, बिकॉज हर विलेज नेम इज ढींग इन द नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम। इन्होंने लगातार 200 मीटर में, मतलब इन 200 मीटर्स में 4 गोल्ड्स एंड 400 मीटर्स में 1 गोल्ड, यानी टोटल जुलाई मंथ में शी हैज़ वन 5 गोल्ड। ठीक है, तो इसलिए यूज़ में है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसमें याद रखने वाला एक चीज़ क्या है, निकनेम ढींग एक्सप्रेस, और कितने गोल्ड जीते इन्होंने इस महीने में, तो उसका आंसर है 5। कॉमनवेल्थ गेम्स 20 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है, इसकी बात करें तो ये 2022 में, ये भी न्यूज़ में आ गया। क्यों न्यूज़ में आ गया बताते हैं। होस्ट सिटी पहले देख लीजिए, होस्ट सिटी इज बर्मिंगहम, इंग्लैंड। ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ कंट्रीज 73 एंड गेम विच इज रिमूव। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल रिमूव शूटिंग। ठीक है, तो इसमें इंडिया ने काफ़ी अपोज करा है इस चीज़ को, और इस चीज़ के लिए काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें याद रखने वाली, होस्ट सिटी बर्मिंगहम, नंबर ऑफ कंट्री 73, कब होगा 2022 में, और कौन से गेम को रिमूव किया है, शूटिंग। बढ़ते हैं, देखिए इसरो तो न्यूज़ में है, चंद्रयान 2। ठीक है,
चंद्रयान टू अभी लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ आप सभी को पता होगा, बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण फॉर ऑल इंडियंस, 22 जुलाई को लॉन्च हुआ। इसरो मतलब इंडियन सेटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड बेंगलुरु एंड डायरेक्टर इज के शिवन। तीन चीज़ें याद रखने वाली, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, डायरेक्टर के शिवन और चंद्रयान टू जो लॉन्च हुआ वो 22 जुलाई को लॉन्च हुआ, ठीक है। और इस पर एक मूवी भी आ रही, 15 अगस्त को रिलीज होगी, अक्षय कुमार स्टार्ट, इट इज मिशन मंगल, ठीक है। वो भी अगर चांसेस कम है, बट अगर पूछे इससे रिलेटेड कौन सी मूवी है, मतलब इसरो से रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं मिशन मंगल, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, विद्या बालन, ये लोग इसके मुख्य कलाकार हैं। तो याद रखने वाली चीज़ें मेनली हेडक्वार्टर इसरो के बेंगलुरु, डायरेक्टर के सिवन, चंद्रयान टू जो है वो लॉन्च हुआ 22 जुलाई को, ठीक है। एनी ऑफ द बैंक एग्जाम्स, लेट इट बी IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, SBI, इसमें ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका बेसिक आपको जानना जरूरी है। फॉर्मेशन याद रखिए, 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर्स पहले कलकत्ता में था, यहीं फॉर्म हुआ, और बाद में 1937 इट वॉज मूव टू द बॉम्बे, ठीक है। प्रेजेंटली इट इज कोलकाता एंड प्रेजेंटली दिस इज मुंबई, ठीक है। तीन चीज़ें याद रखने लाइक फॉर्मेशन डेट, अर्ली हेडक्वार्टर्स एंड मूव टू बॉम्बे इन विच ईयर। इसके बाद हाँ, और एक चीज़, जो इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की चार, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इन चारों में जो अभी न्यू इंडिया है वो बहुत सुर्खियों में था, न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इनका फॉर्मेशन डे था 100 साल, ठीक है। इनको 23 जुलाई 1919 को बनी और दे हैव सेलिब्रेटेड द 100 ईयर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई में, और CMD कौन है? अतुल साह। ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा आपके। ये क्यों न्यूज़ में? देखिए इसमें क्या है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका तो पहले मीनिंग आप देख लीजिए, GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। फर्स्ट स्टेट जिसको मिला था रसगुल्ला के नाम से, बांग्ला रसगुल्ला, वो था वेस्ट बंगाल, और सेकंड स्टेट को अभी हाल ही में मिला है उड़ीसा, रसगुल्ला कह के, तो वो सेकंड स्टेट। तो ये आ सकता है कि कौन सा सेकंड स्टेट है GI टैग पाने वाला रसगुल्ला में, तो डेट इज उड़ीसा। इसके बाद ICC वर्ल्ड कप आप सभी ने देखा, ठीक है, भारत सेमीफाइनल में हालांकि न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन ठीक है, खेल है, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो केन विलियमसन, शानदार कप्तान न्यूजीलैंड के, मैन ऑफ द मैच इन फाइनल्स बेन स्टोक्स, ऑलराउंडर इंग्लैंड के, हाईएस्ट रन स्कोरर भारत के रोहित शर्मा ओपनर, और हाईएस्ट विकेट टेकर जो है मिचेल स्टार्क, वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये चार चीजें आप इसमें याद रखने लायक हैं। अब हर वीडियो में, जैसे कि पिछले साल भी हम वी वर डूइंग, दिस ईयर वी हैव स्टार्ट ऑल्सो वी विल डू क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, क्योंकि टाइगर डे से रिलेटेड सवाल है कि अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, IBPS का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इसका आंसर बिना देखे, बिना गूगल किए हुए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। झारखंड में है, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में। तो ये था पहला वीडियो, अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें जितने हो सके वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस भी देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिर्फ आपके पास आप लाएंगे इस वीडियो, इन वीडियोस के थ्रू, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। तो मिशन, जैसे पिछली बार हमने GMI स्ट्रेंथ या मिशन 40+ हमने कह रहा था, काफ़ी आप लोगों का मोटिवेशन हुआ, तो काफ़ी लोगों का सलेक्शन होता है। इस बार भी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप जो मिशन 10 अगस्त है उसको सक्सेसफुल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इस SBI क्लर्क में लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल देश के बहुत सारे भागों में बरसात बहुत ज़ोरों की हो रही है, तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। और हाँ, LIC का भी रिजल्ट आ गया है, प्रीलिम्स ADO और मेंस AAO का, तो उसमें इंटरव्यू के लिए गेयरअप हो जाइए। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और सुबह हमने वोटिंग भी करी थी कि आज LIC का रिजल्ट आएगा या ESIC UDC का, या दोनों आएगा या कोई नहीं आएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी को वोटिंग मिली थी। आप कमेंट्री टैब में जाके देख सकते हैं। तो LIC का रिजल्ट आ गया, और ESIC UDC वाले भी निराश ना हो, इस हफ्ता के अंत तक बहुत बहुत चांसेस हैं कि उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपसे कल फिर से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो लेकर, वीडियो नंबर 3। तब तक नमस्कार एंड गुड बाय।